सो वेल गाइस, फाइनली GTA ट्रायलॉजी डेफिनेटिव एडिशन हमारे पीसी प्लेटफॉर्म के लिए रिलीज हो चुका है। बट वेट, सब लोग तो खुश हो रहे हैं, बट हम लो एंड पीसी प्लेयर्स का क्या? हमारे कोई सेंटीमेंट्स नहीं, हमारे बारे में कोई सोचता नहीं। तो वेल गाइस, घबराने की कोई बात नहीं, आपका भाई आपके साथ है, तो भैया डरने की क्या बात है। तो वेल गाइस, यहां पर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कैसे आप GTA ट्रायलॉजी डेफिनेटिव एडिशन को अच्छे FPS पे खेल सकते हैं अपने 3 से 4 GB रैम वाले PC लैपटॉप पे, जिसमें कि ग्राफिक कार्ड कुछ भी नहीं है और प्रोसेसर के नाम पे बस i3 या उससे भी कम का प्रोसेसर है। तो भैया, आप GTA ट्रायलॉजी काफ़ी अच्छे FPS में खेल सकते हो एंड यहाँ पर आपको ग्राफिक क्वालिटी भी आपको लो करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने नहीं, यहाँ पर नहीं बोलूँगा, बस यहाँ पर जो हमने हाईली ऑप्टिमाइज कॉन्फ़िग फाइल आप लोगों के लिए बनाया गया है, बस आपको उसमें कॉपी पेस्ट करना है। भाई ये इतना आसान नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना। अगर आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखते हो तो यहाँ पर मैं 100% गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर आपकी GTA ट्रायलॉजी का जो FPS है आपके लो एंड PC पे काफ़ी अच्छा हो जाएगा, अगर आप पे लैग करता है या चल नहीं पाता है। और एक बार दोस्तों, कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काफ़ी बुरा लगता है जब तुम वीडियो देख के चले जाते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसको सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल में कर देना, कभी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मिले। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें होना एकदम कंपलसरी है एलर्जी का डेफिनेटिव एडिशन अपने लो इन PC लैपटॉप पे प्ले करना चाहते हैं। पहला है हमारा FPS बूस्ट पैक एंड दूसरा है हमारे पास यार गेम होना चाहिए। गेम ही नहीं रहेगा तो हम घंटा खेलेंगे यार, मतलब क्या। बस अगर आपके पास गेम नहीं है तो कोई बात नहीं, सेकंड चैनल में मेरे उड़ के जाओ, वहाँ पर आपको मिल जाएगा यार, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। तो यार सबसे पहले अपन FPS बूस्ट पैक को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड है BYTP कैपिटल लेटर पर लिखना और यहाँ पर जो आपका FPS बूस्ट पैक है वो सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। सिंपली आपको इसे ओपन करना है। यहाँ पर आपका कुछ फाइल्स दिखेंगी, इससे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको अपना गेम का फोल्डर को ओपन कर लेना है। आपके पास तीनों गेम होना चाहिए, GTA 3, GTA San Andreas एंड GTA Vice City, क्योंकि हम इस वीडियो पे इन तीनों का कॉन्फ़िग फाइल को कवर करेंगे एंड इन तीनों को अपने लो एंड PC पे चलाएंगे, ठीक है। उससे पहले दोस्तों आपको हमारे FPS बूस्ट पैक वाले फोल्डर पे चले जाना। यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको एक क्लीन का फोल्डर दिखेगा, सिंपली आपको इसे ओपन करना है, डबल टैप करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है कि जितने भी अनवांटेड जंक फाइल आपके PC या लैपटॉप पे होंगे सभी फाइल को ये कमांड क्लीन कर देगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, 40 to 50 seconds। फिर आपको यहाँ पर जंक फाइल करके रहेगा, सिंपली आपको भी इसमें डबल टैप करना है एंड विद इन अ सेकेंड ये आपके जंक फाइल को क्लीन कर देगा, ठीक है। स्टेप 1 कंप्लीट होता है, चलते हैं हम कॉन्फ़िग फाइल में। सिंपली आपको कॉन्फ़िग को ओपन करना है एंड GTA 3, GTA San Andreas एंड GTA Vice City तीनों का अलग अलग कॉन्फ़िग फाइल है। GTA 3 पे चलते हैं, इस कॉन्फ़िग को ओपन करते हैं, यह विंडोज नो एडर करके दिखेगा। सिंपली आपको इन दोनों फाइल को यहाँ से कॉपी करना है एंड अपने अब आपको जाना है सी फाइल में। यहाँ पर आपको आ जाना है डॉक्यूमेंट्स पे, यहाँ पर आपको रॉकस्टार गेम्स करके दिखे रहेगा। तो यहाँ पर आप जब गेम इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन यहाँ दिख जाएंगे, तीनों गेम के, GTA 3, GTA San Andreas एंड GTA Vice City। तो अपन GTA 3 डेफिनेटिव एडिशन पे चलते हैं, कॉन्फ़िग फाइल पे चलते हैं, विंडोज नो एडिटर पे चलते हैं। यहाँ पर हम सिंपली हमने जो फाइल कॉपी किया था सिंपली हमें इसे यहाँ पर रिप्लेस कर लेना है। तो भैया यहाँ पर जो GTA 3 का कॉन्फ़िग फाइल है हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया। अब हम इंस्टॉल कर लेते हैं San Andreas डेफिनेटिव एडिशन का, सेम प्रोसेस करना है, इन दोनों को कॉपी करना है यहाँ से आपको, और यहाँ से आपको बैक चलना है, GTA San Andreas पे चलते हैं, कॉन्फ़िग पे चलते हैं, नो एडिटर, यहाँ पर हम सिंपली इसे पेस्ट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों स्टेप है, कोई लेंदी आपको ये इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है, सिंपली बहुत ही सिंपल सा स्टेप मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है। अब चलते हैं हम GTA Vice City पे, सेम प्रोसेस हम किसी में सेम करेंगे, सिंपली हम कॉपी करेंगे आपसे, हम GTA Vice City डेफिनेटिव एडिशन पे चलते हैं, कॉन्फ़िग पे चलते हैं, स्नो एडिटर पे चलते हैं एंड जो हमने कॉन्फ़िग फाइल कॉपी किया था सिंपली हम इसे पेस्ट करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो भैया यहाँ पर हमारा जो कॉन्फ़िग्स होता है वो कंप्लीट होता है, हमारा स्टेप 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम प्रॉक्सी पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको GTA प्रॉक्सी करके सिंपली इसे ओपन करना है एंड 1 by 1 सभी प्रॉक्सी को आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है, सिंपली डबल टैप करना है, येस करना है, ओके करना है। यहाँ पर आप लो एंड मीडियम ऑप्टिमाइज पे चले, यहाँ पर आपको इसे येस करना है एंड ये इंस्टॉल हो गया। नॉर्मल प्रॉक्सी पे चले, डबल टैप करें, यस करें, इंस्टॉल हो गया। पावर ऑप्टिमाइजेशन को भी हम कर लेते हैं, सिंपली वैसे ही करना है आपको,
चलिए यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप पे, जहाँ पर हमारे पास टाइमर रेजोल्यूशन का एक सॉफ्टवेयर दिख रहा है। सिंपली आपको इसे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा। सिंपली आप इसे मैक्सिमम पे कर लेना, जब भी आप गेम ओपन करो तभी इसे मैक्सिमम पे करना। गेम खेल लो तब गेम क्लोज करके इसे डिफॉल्ट पे कर लेना, ठीक है। तो अभी हम अपन गेम प्ले करने वाले, सिंपली हम इसे मैक्सिमम पे करते हैं एंड वन बाय वन सभी गेम को हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। ऑलराइट, तो चलिए हम गेम टेस्ट करके देख लेते हैं कि हमारा जो तीनों गेम्स है वो कैसा रन कर रहा है, कैसा FPS देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम GTA 3 को यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। देखो यार, कभी भी आप कोई भी गेम को ओपन करो तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ही ओपन करना। सिंपली हम यस करते हैं एंड थोड़ा यहाँ पर आपको वेट करना दोस्तों। फर्स्ट टाइम हो सकता है हल्के से 20-30 सेकंड तक ब्लैक स्क्रीन का इशू आ सकता है, वो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारा गेम ओपन हो चुका है। तो सिंपली हम यहाँ पर बैठ लेते हैं एंड थोड़ा गेम को प्ले करके भी देख लेते हैं। एंड जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमें कोई भी लैगनेस देखने को नहीं मिल रहा है। कंपेयर जब अपन पहले गेम खेल रहे तो काफ़ी रुक रुक के हमारा यहाँ पर गेम चल रहा था, बट अभी आफ्टर कन्फिग फाइल इंस्टॉल करने के बाद हमारा गेम काफ़ी स्मूथ हो चुका है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला गेम है GTA 3 डेफिनेटिव एडिशन, वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। एंड चलिए अब देख लेते कि GTA San Andreas डेफिनेटिव एडिशन हमारे PC लैपटॉप PC पे कैसा रन कर रहा है। तो इसे भी हम राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, क्योंकि हर गेम को आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ही ओपन करना है। भाई जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा GTA San Andreas डेफिनेटिव एडिशन गेम ओपन हो चुका है एंड यहाँ पर सच बताऊँ तो काफ़ी स्मूथली हमारा यहाँ पर गेम चल रहा है एंड यहाँ पर मेरे को कोई भी शटर लैग या कुछ भी इशू नहीं मिल रहा है लैगनेस का। एंड यहाँ ऑलमोस्ट यहाँ पर मेरे को 60+ FPS मिल रहा है अपने 4GB रैम या 3GB रैम। एंड यहाँ पर ग्राफिक्स क्वालिटी भी आपका उतना ब्लरी नहीं हुआ है कि आपको गेम का एक्सपीरियंस काफ़ी ऑड दिखे, ठीक है। तो चलिए हम GTA Vice City को ये भी यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं कि भैया जो हमारा GTA Vice City डेफिनेटिव एडिशन है वो कैसा चल रहा है। तो चलिए हम GTA Vice City को भी हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ही ओपन करें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा GTA Vice City है वो भी काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी स्मूथली यहाँ पर चल रहा है। एंड यहाँ पर अपने कोई भी ग्राफिक क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करने का ज़रूरत नहीं दोस्तों। हमने जो कन्फिग आपके लिए डेवलप किया है उस पर ग्राफिक क्वालिटी आपका डल ही नहीं होगा, मतलब यहाँ पर आपको अच्छे FPS के साथ आपका जो गेम है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चलेगा। बस दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही था। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने प्यारे रसगुल्ले दोस्तों जरूर शेयर करो यार, क्योंकि वो खेलना चाहते हैं अच्छे FPS के साथ। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद।